हेलो स्टूडेंट, आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, एसएसबी का सेशन नंबर वन है। जैसा मैंने आपको बोला था कि एसएसबी के भी अब मैं आपके साथ सेशन शेयर करूंगा, मैं प्रतीक सर के साथ वो सेशन शेयर करूंगा। क्यों प्रतीक सर के साथ करूंगा उसका रीजन आपको समझ में जाएगा, क्योंकि प्रतीक सर बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको बताएंगे कि क्या क्या ऑफिसर लाइक क्वालिटी होना चाहिए। यानी आपका PIQ भरने से पहले, यानी सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब हम जाते हैं एसएसबी के लिए तो जो 4-5 दिन का प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर के पहले आपको अपने आप को किस तरह से तैयार करना है कि ना तो आप स्क्रीन आउट हो ना कॉन्फ्रेंस आउट हो, यानी फाइनली आप सेलेक्ट हो सको। और याद रखिए, एसएसबी में एंट्री के लिए कई सारे तरीके हैं। आप 12 के बाद NDA के थ्रू जाएंगे, या TES के थ्रू जाएंगे, या NAVTEC के थ्रू जाएंगे, या CDS के थ्रू जाएंगे, या FCAT के थ्रू जाएंगे। यानी इतने सारे डिफरेंट तरीके से SSB में जाया जा सकता है, जो पता ही नहीं होता कई बार, तो वो भी हम एक बार डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट NAVTEC की जो डेट आई है वो भी मैं डिस्कस करूंगा, पर अभी मेरा ऑब्जेक्ट है कि SSB के लिए क्या क्या क्वालिटी डेवलप करना चाहिए। जो चीज़ मैंने आपको बोला था क्लास में होगी, क्योंकि इस बार क्लास में भी सेशन स्टार्ट हो रहा है, और जो बातें क्लास में होंगी वो सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। कोशिश करेंगे कि जितना आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता पाए, क्योंकि आप ऑनलाइन कोर्स से जुड़े हुए हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको हर दिन डेवलप करना चाहिए। एक और बहुत मिसकंसेप्ट है प्रतीक सर, जो आप बच्चों को बताएंगे कि SSB का जैसे ही नाम आता है तो हमें लगता है ग्राउंड ट्रेनिंग। मैं बता दूं, ग्राउंड ट्रेनिंग एक बहुत छोटा पार्ट है। जो ग्राउंड ट्रेनिंग पे टास्क होते हैं वो कैसे हैंडल करना होता है वो भी सर बताएंगे, पर सबसे इंपॉर्टेंट टास्क जो होता है वो होता है आपको मेंटल और फिजिकली स्ट्रांग होना। जो छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ें हैं वो आपको समझना जरूरी होती है। तो प्रतीक सर, आप इनको बताइए कि SSB में जाने के पहले लोग ये सोचते हैं कि हमें 5 दिन ये करवाया जाएगा, पर उसके जाने के पहले क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए। मैं अपने हर सेशन में एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर आप डिफेंस के लिए सोचते हो तो जिस दिन डिफेंस के लिए सोचते हो, एक्चुअल में SSB की प्रिपरेशन उस दिन से चालू हो जाती है। और उसके लिए कोई क्लास नहीं करना ज्वाइन, बल्कि उसके लिए मेंटली तैयार करना है। क्लास तो ज्वाइन करनी चाहिए रिटर्न के लिए, जैसे NTA या NA के लिए। SSB की मैंने हमेशा बोलता हूँ, क्लास जब रिटर्न निकल जाए तो अलग से 10 दिन की ग्रूम कर लो, पर मेन बात होती है अगर हम डिफेंस का सोचते हैं तो उस दिन से क्या चीज़ें हैं जो बच्चों को डेवलप करना चाहिए। मैं चाहता हूँ आप बहुत डिटेल में डिस्कस करें। अगर बच्चा फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहा है तो भी, सेकंड टाइम भी, और कोई भी किसी भी SSB के थ्रू जा रहा तो भी, वो ये अगर क्वालिटी डेवलप करेगा तो उसको फ़ायदा होगा। तो आप इन बच्चों के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए। ओके फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो हम लोग SSB के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर SSB का क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या उसमें टेस्ट होते हैं, क्या सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं जिसके बेसिस पे वो सिलेक्शन आपका करेंगे, या फिर क्या वो शॉर्टकम्स या लिमिटेशंस होते हैं जिसके कारण कैंडिडेट्स वगैरह जनरली सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि SSB की हिस्ट्री की बात की जाए कि SSB की शुरुआत कब हुई थी। वर्ल्ड वॉर टू शुरू होने के बाद में एकदम से ऑफिसर्स की बहुत ज़्यादा कमी हो गई, और इसलिए एक ऐसा सिलेक्शन प्रोसीजर की ज़रूरत महसूस की गई जिसमें हम लोग एक जल्दी शॉर्ट टाइम पीरियड में किसी कैंडिडेट को असेस कर सकें कि उसमें मिलिट्री लीडरशिप है या नहीं है, क्या वो मिलिट्री में ऑफिसर बनने लायक है या नहीं है, और उसके बाद में फिर उसे ट्रेनिंग पे भेज कर जल्दी से उसको वॉर पे भेजा जा सके। तो इस तरीके से SSB का जन्म हुआ। एक 5 डे का सिलेक्शन प्रोसीजर है ये, और इसमें आपको बेसिकली असेस किया जाता है ये देखने के लिए कि आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं या नहीं जो एक मिलिट्री ऑफिसर में होना चाहिए। चाहे आप आर्मी ज्वाइन करें, चाहे आप नेवी ज्वाइन करें, चाहे आप एयरफोर्स ज्वाइन करें, मगर अगर आप डिफेंस फोर्सेस में एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको SSB देना ही पड़ती है, आपको SSB के थ्रू रिकमेंड होना ही पड़ता है। अनलेस एंड अंटिल यू आर नॉट गोइंग टू गेट रिकमेंडेड बाय SSB, यू विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन ईदर ऑफ द थ्री विंग्स, नीदर आर्मी नॉर नेवी नॉर एयरफोर्स। सो अल्टीमेटली द पॉइंट इज कि वॉट SSB इज़, वॉट इज़ द रिक्वायरमेंट, काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होता है, काफ़ी सारे तरीके के मिसकंसेप्शंस होते हैं। सो वील बी टॉकिंग अबाउट इट इन डिटेल्स एंड देन वील बी कवरिंग वेरियस अदर एस्पेक्ट्स कि भाई SSB के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सबसे पहली चीज़ कि भाई SSB का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है या SSB का जो पूरा प्रोसेस है वो है कैसे, वो कैसे शुरू होता है। लेट से अगर हम लोग एक 12th क्लास के बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से या एक 17-16 साल के लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, लेट से आपने 12th के बाद में नेशनल डिफेंस एकेडमी का पेपर दे दिया, आपने 12th के बाद में NDA का पेपर दे दिया और क्लियर कर लिया। क्लियर करने के बाद में आपको कॉल आता है SSB के लिए। फॉर एग्जाम्पल लेट से आपने आर्मी के लिए अपना पहला प्रेफरेंस दिया था, तो NDA का पेपर क्लियर करने के बाद में आपको कॉल आ गया, कॉल लेटर मिला, और आपको कहा गया कि भाई आपको यहाँ यहाँ पर आकर अपनी SSB देनी है। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आर्मी के जो सिलेक्शन बोर्ड्स हैं वो 4 जगह पर हैं, इलाहाबाद, जिसको आज की तारीख में प्रयागराज कहा जा रहा है,
दूसरा आपका सिलेक्शन सेंटर है भोपाल में, तीसरा आपका सिलेक्शन सेंटर है बेंगलोर में, और चौथा आपका सिलेक्शन सेंटर है कपूरथला पंजाब में। इसके अलावा एयरफोर्स के सिलेक्शन सेंटर्स भी हैं, नेवी के सिलेक्शन सेंटर्स भी हैं, और अगर आप एनडीए के लिए अप्लाई कर रहे हो तो हो सकता है उसमें से भी किसी सिलेक्शन सेंटर पर आपको रिपोर्ट करने के लिए बोल दिया जाए। बट अभी फिलहाल हम लोग इन अपने आप को आर्मी तक स्ट्रिक्ट रखते हैं कि लेट से आपने एनडीए का पेपर दिया, आर्मी का आपने पहले प्रेफरेंस भरी, आपको पेपर क्लियर करने के बाद कॉल लेटर मिल गया, एंड लेट से आपको कहा गया कि भाई आप भोपाल में रिपोर्टिंग करें, आप भोपाल रेलवे स्टेशन पर रिपोर्ट करते हैं। सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि आप वहाँ पे मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस पर जाएंगे और वहाँ पर आप रिपोर्ट करेंगे। मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस पर आपको कहा जाएगा कि भाई आप वेट करिए, और सिलेक्शन सेंटर से फिर लोग आते हैं और वो आपको सिलेक्शन सेंटर तक लेकर जाते हैं। सिलेक्शन सेंटर पर जाने के बाद में जो पहली चीज़ होती है वो ये है, सिलेक्शन सेंटर तक जाने के बाद में जो पहली चीज़ होती है वो ये है कि आपको ब्रीफिंग वगैरह दी जाती है। आपको ब्रीफिंग दी जाती है अबाउट डूज एंड डोंट्स, एंड चेस्ट नंबर्स अलॉट होते हैं, आपको चेस्ट नंबर्स वगैरह अलॉट किए जाते हैं। इसके अलावा आपका कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का प्रोसेस भी होता है, एंड देन सर जो भी एसएसबी बोर्ड में आप गए हैं उसके एक ऑफिसर आके आपको प्रेसिडेंट के बिहाफ पे वेलकम करते हैं, एंड दिन की जो प्रोसेसेस वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। नेक्स्ट डे आपकी स्क्रीनिंग होती है, एंड नाउ एसएसबी स्टार्ट्स, या फिर यूं कह सकते हैं कि आपका जो एक्चुअल प्रोसेस है वो शुरू होता है। स्क्रीनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इट इज एन एलिमिनेशन प्रोसेस। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने 400 लोगों को कॉल किया है एसएसबी के लिए तो, और 400 के 400 लोगों ने अगर रिपोर्ट किया है तो स्क्रीनिंग होने के बाद में हो सकता है इसमें से सिर्फ शायद 40 या 50 बच्चे बचेंगे और बाकी सब एलिमिनेट हो जाएंगे। तो स्क्रीनिंग एक एलिमिनेशन प्रोसेस है जिसके थ्रू वो बेसिकली असेस करते हैं कि जो व्यक्ति आप या फिर जो बच्चा हमारे पास आया हुआ है इसमें कुछ बेसिक आपकी OLQs वगैरह हैं या नहीं है, या फिर बेसिक अफसर लाइक क्वालिटीज़ हैं या नहीं है। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि इसमें बेसिक अफसर लाइक क्वालिटीज़ हैं, इसको टेस्ट करना चाहिए फर्दर, तो फिर वो आपको रखते हैं, और अगर ऐसा उनको फील होता है कि आप में कुछ बेसिक या फिर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट अफसर लाइक क्वालिटीज़ हैं अगर आप उनको शो नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, या फिर आपका परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है, तो फिर आप एलिमिनेट हो जाते हैं। ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जैसा कि आपको दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव भी है। 400 बच्चे अगर गए हैं, 40 या 45 या 50 अगर सेलेक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि हर 10 या 12 में से सिर्फ एक ही बच्चा लिया जा रहा है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव प्रोसेस, एंड वील बी टॉकिंग अबाउट इट इन ग्रेट डिटेल्स आफ्टर डिस्कसिंग द लेफ्ट ओवर एस्पेक्ट्स ऑफ SSB। इन केस अब आपने स्क्रीनिंग क्लियर करी, इन केस अगर आपने स्क्रीनिंग क्लियर करी तो स्क्रीनिंग के बाद में फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन, आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है और उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, आपसे काफ़ी सारे फॉर्म्स वगैरह भरवाए जाते हैं, येट अगेन हम उनके बारे में बात करेंगे, मगर जब हम डॉक्यूमेंटेशन के बारे में डिटेल में डील कर रहे होंगे तब। तो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह किया जाता है, काफ़ी सारे आपसे फॉर्म्स वगैरह भरवाए जाते हैं, ये फॉर्म्स में आप जो लिखते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होने के बाद में दिन का आपका काम खत्म हो जाता है, एंड देन आता है आपके पास में अगला दिन। अगले दिन आपकी साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट बेसिकली 2.5 घंटे तक चलता है, और इसमें 4 टेस्ट होते हैं। सबसे पहला टेस्ट होता है आपका थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, जिसको हम लोग टैट भी बोलते हैं, दूसरा होता है आपका वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जिसको हम लोग वैट बोलते हैं, तीसरा होता है आपका सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट जिसको SRT बोला जाता है, और चौथा होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन। ये चारों टेस्ट लगभग लगभग 2 से 2.5 घंटे तक चलते हैं, एंड इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में बात करने वाले हैं। इसी ये टेस्ट के साथ में आपका SSB का एक एस्पेक्ट खत्म हो जाता है, या फिर एक टेस्ट आपका पूरा हो जाता है साइकोलॉजिकल टेस्ट के कम्प्लीट होने के साथ में। इसके बाद अगला टेस्ट आता है GTO। अगला टेस्ट आपका आता है GTO का। GTO का जो पूरे टेस्ट हैं वो 2 दिन चलते हैं,
डे वन में आपके कुछ टेस्ट होते हैं, डे वन में आपके कुछ टेस्ट होते हैं जीटीओ में, और जीटीओ के डे टू पे आपके कुछ टेस्ट होते हैं, इसके बारे में भी डिटेल्स में बात करेंगे। और तीसरा होता है आपका पर्सनल इंटरव्यू, इसको हम लोग पीआई बोल देते हैं। पर्सनल इंटरव्यू आपका साइकोलॉजी का टेस्ट खत्म होने के बाद उस दिन भी हो सकता है, या फिर जीटीओ के पहले दिन, जीटीओ का टेस्ट खत्म होने के बाद शाम के वक्त में हो सकता है, या जीटीओ के टेस्ट खत्म होने के बाद में दूसरे दिन में भी हो सकता है। जनरली इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं आफ्टरनून के बाद से शाम के वक्त तक में। ये आपके तीन टेस्ट होते हैं। हर एक टेस्ट जो है बेसिकली एसएसबी में आपको अपने अपने तरीके से एसेस कर रहा है, और ये चेक कर रहा है कि आप में अफसर लाइक क्वालिटीज हैं या नहीं, और अगर आप में अफसर लाइक क्वालिटीज हैं तो किस एक्सटेंट तक आप उन्हें शो कर रहे हैं, क्या आप मिलिट्री लीडरशिप के लिए कैपेबिलिटीज रखते हैं तो कितना रखते हैं, दिस एंड दैट। तो हर एक जो आपका एसेसर है, आपका चाहे साइक का टेस्ट हो, चाहे आपका इंटरव्यूइंग अफसर हो, चाहे आपका जीटीओ हो, ये तीनों आपको टेस्ट एक ही चीज़ के लिए कर रहे हैं कि वेदर यू हैव द ऑफिसर लाइक क्वालिटीज दैट आर रिक्वायर्ड टू बी अ मिलिट्री ऑफिसर और नॉट। अब अगर ये तीनों ने अपने अपने टेस्ट लेकर अपना अपना एक असेसमेंट किया है आपके बारे में, साइकोलॉजिस्ट ने अपना एक असेसमेंट किया है उस बेसिस पर कि आपने उस साइकोलॉजिकल टेस्ट में किस तरीके से परफॉर्म किया है, क्या लिखा है, उससे आपकी पर्सनालिटी के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है, हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। दूसरा, इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने भी यही काम किया है, मगर आपसे लिखवाने की जगह उसने आपसे बातचीत करी है, उसने वन टू वन पर्सनल इंटरेक्शन किया है, उसका जो अपना खुद का मिलिट्री एक्सपीरियंस है और जो चीज़ें उसको टेस्ट करनी है, जिसके लिए उसे ट्रेन किया गया है, उसने अपना असेसमेंट करके एक अपना निष्कर्ष निकाला है कि आप में वो क्वालिटीज़ हैं या नहीं है। इसी तरीके से जीटीओ ने भी लगभग वही काम किया है, मगर आपसे लिखवाया नहीं है, आपसे कोई खास बातचीत नहीं करी है, उसने आपसे ग्राउंड पे कुछ काम करवाए हैं, ग्राउंड पे आपके टेस्ट लिए हैं और उसके बेसिस पर असेस किया है आपको, और ये डिसाइड किया है या एक निष्कर्ष निकाला है कि आप में अफसर लाइक क्वालिटीज़ हैं या नहीं है, आप मिलिट्री लीडरशिप के लिए केपेबल हैं या नहीं है, और उसके बेसिस पर फिर वो अपना एक असेसमेंट करता है। तो ये सारा प्रोसेस खत्म होने के बाद में लास्ट डे आपकी होती है कॉन्फ्रेंस। लास्ट डे आपकी होती है कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस में ये तीनों ऑफिसर्स जो हैं वो अपना अपना असेसमेंट लेके बैठते हैं। आपका जीटीओ जो है वो अपना असेसमेंट लेके बैठता है, आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो है वो अपना असेसमेंट लेके बैठता है, और आपका जो साइकोलॉजिस्ट है वो अपना असेसमेंट लेके बैठता है। अब ये तीनों आपके बारे में डिस्कशन करते हैं। लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आपका चेस्ट नंबर 15 जो है उसके बारे में बातचीत की जा रही है। तो चेस्ट नंबर 14 को अभी उन्होंने कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर भेज दिया है, और चेस्ट नंबर 15 अब कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर बैठ के इंतजार कर रहा है अपनी बारी का। अब चेस्ट नंबर 15 के बारे में बातचीत कैसे शुरू होगी? साइकोलॉजिस्ट अपना असेसमेंट बताएगा कि भाई मैंने इसके बारे में ये चीज़ें देखी हैं इसके साइकोलॉजी के टेस्ट से, और मैं इसके बेसिस पर ये निष्कर्ष पर निकलता हूँ कि लेट अस रिकमेंड हिम और लेट अस नॉट रिकमेंड हिम, जो भी उसका अपना असेसमेंट है। इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो है वो भी फिर अपनी बात रखता है कि हाँ मैंने भी इसको असेस किया था एंड मुझे लगता है कि इसमें एक कैपेबिलिटीज़ हैं या इसमें कैपेबिलिटीज़ नहीं है, और उसके बेसिस पर लेट अस रिकमेंड हिम और लेट अस नॉट रिकमेंड हिम व्हाटसोएवर द केस में भी। इसी तरीके से आपका जीटीओ जो है वो भी अपनी बात रखता है कि भाई मैंने इसका दो दिन तक असेसमेंट किया था, और दो दिन के मेरे टेस्ट और असेसमेंट के बाद में ये चीज़ निकल कर आती है, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि द गाय इज़ वर्दी एंड वी शुड रिकमेंड हिम, और द गाय इज़ नॉट आई गेस अप टू द मार्क एंड वी शुड नॉट रिकमेंड हिम। तो जो भी इनका असेसमेंट बनता है, लेट्स अगर तीनों ने ये कह दिया कि भाई लेट अस रिकमेंड द गाय, तो फिर अब बात करने के लिए कुछ बचता नहीं है। चेस्ट नंबर 15 को अंदर बुलाया जाएगा, जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं कि आप भाई कैसा रहा आपका स्टे, कोई सजेशन हो तो बताइए, सब बढ़िया था, ओके यू मे लीव। अगर आपका तीनों ने ये बोल दिया कि रिकमेंड नहीं करना है, तो भी फिर बात करने के लिए कुछ नहीं रहता। चेस्ट नंबर 15 को बुलाया जाएगा, वही सवाल फॉर्मेलिटी के लिए पूछे जाएंगे कि खाना वाना ठीक था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, कोई सजेशन हो तो बताइए, एंड सो ऑन। एंड इस तरीके से बंदा जो है या तो रिकमेंड हो जाएगा या नॉट रिकमेंडेड। एक केस ये बनता है कि आपको एक व्यक्ति ने रिकमेंड किया हो, शायद दो ने ना किया हो, या फिर हो सकता है दो लोगों ने रिकमेंड किया हो, एक ने ना किया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने आपका रिकमेंडेशन जो है वो डाउटफुल केस में रखा हो। इन तरीके की सर्कमस्टांसिस में आप चेस्ट नंबर 15 जो बाहर बैठा हुआ है, जिसके लिए एसएसबी जो है अपने किसी निष्कर्ष पर नहीं निकल पा रही है, डिस्कशन होता है। डिस्कशन में फिर अब अगर लेट्स से जीटीओ ने उसको रिकमेंड नहीं किया था, और इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने रिकमेंड किया है, और साइकोलॉजिस्ट ने रिकमेंड किया है, इनके बीच में आपस में डिस्कशन होगा, और अगर जिन्होंने रिकमेंड किया था उन्होंने नॉन रिकमेंडेड को रिकमेंड करने वाले को अगर कन्विंस कर लिया और वो मान गया कि चलिए ठीक है इसको रिकमेंड कर देते हैं, तब भी कैंडिडेट आपका क्लियर हो जाएगा।
दूसरा केस ये हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने रिकमेंड नहीं किया था, अगर उस व्यक्ति ने रिकमेंडेड रिकमेंड करने वालों को अगर कन्विंस कर लिया तो हो सकता है कि फिर वो अपना निष्कर्ष बदल लें और फाइनली आपको नॉट रिकमेंड कर दिया जाए। तो इस तरीके के केसेस आपके कॉन्फ्रेंस में हो सकते हैं। एक केस ये हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन के बाद में भी द बोर्ड इज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द चैप दैट वॉट यू शुड बी डूइंग विद दिस चैप। इस केस में यह होता है कि फिर आपको बुलाया जाता है, आपको कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस दी जाती हैं, उसके बेसिस पर एक फाइनल आपके बारे में राय बनाई जाती है, असेसमेंट किया जाता है और उसके बाद में फाइनली डिसाइड किया जाता है कि वेदर यू शुड बी रिकमेंडेड और वेदर यू शुड नॉट बी रिकमेंडेड। और फाइनली इसके बाद में जब ये इस तरीके से उस बैच के सारे जितने भी आपके कैंडिडेट्स हैं सबका असेसमेंट हो जाता है, फाइनली द रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड एंड रिजल्ट में लेट से अगर तीन लोग रिकमेंड हुए हैं, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम लोग बोलते हैं चेस्ट नंबर 21 रिकमेंड हो गया, चेस्ट नंबर 27 रिकमेंड हो गया, चेस्ट नंबर 39 रिकमेंड हो गया, तो इन तीन लोगों के अलावा बाकी सब लोगों को फिर वापस कर दिया जाता है और ये तीन लोगों को रिटेन किया जाता है। इन तीन लोगों से फिर और ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करवाए जाते हैं, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स भरवाए जाते हैं और उसके बाद में फिर इन लोगों का मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट डिपेंड करता है 5 से 7 दिन तक चल सकता है और उसके बाद में आपका मेडिकल बोर्ड बैठता है। मेडिकल बोर्ड फिर ये डिसाइड कर आपको बताता है कि आपकी बॉडी में किसी तरीके की कोई डिफॉर्मिटीज़ वगैरह तो नहीं है, आप फिट हैं या नहीं है मेडिकल आपका मिलिट्री सर्विसेज के लिए, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट मेडिकल बोर्ड आपको रिकमेंड फिट डिक्लेयर करता है या अनफिट डिक्लेयर करता है। इनकेस अगर मेडिकल बोर्ड ने आपको फिट डिक्लेयर किया है तो उसके बाद में फिर आप मेरिट लिस्ट का वेट करते हैं और मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो उसके बाद में फिर आप एकेडमी ज्वाइन करते हैं। सो दिस इज द सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ SSB, या फिर ये जो है आपका 5 दिन में ये प्रोसेस आपका पूरा होता है। एक बार इसका छोटा सा रिकैप करते हैं और उसके बाद में फिर हम बात करेंगे कि SSB एक्चुअल में देखना क्या चाहती है। तो प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आपने कोई एक फॉर्म वगैरह भरा होगा या फिर किसी एंट्री के लिए अप्लाई किया होगा। फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट लेट से आपने नेशनल डिफेंस अकेडमी के लिए अप्लाई किया, आपने आर्मी को ऑप्ट किया था एज अ चॉइस, आपने पेपर क्लियर किया, आपके पास SSB के लिए कॉल लेटर आ गया, आपने जाके रिपोर्ट किया, रिपोर्ट करने के बाद आपने स्क्रीनिंग क्लियर करी, स्क्रीनिंग के बाद में फिर आपके 3 दिन तक आपकी SSB चलती है। स्क्रीनिंग के दिन के अलावा 1 दिन में आपका साइक का टेस्ट होता है, 2 दिन आपके GTO होते हैं और अलॉन्ग विद दैट तीनों में से किसी भी 1 दिन आपका इंटरव्यू होता है और लास्ट डे आपकी कॉन्फ्रेंस होती है और कॉन्फ्रेंस के बाद में फिर फाइनली डिसाइड होता है कि आपको रिकमेंड करना है या नहीं। इन केस अगर आप रिकमेंड होते हैं तो फिर उसके बाद में आपका मेडिकल्स होते हैं, मेडिकल्स में अगर आप फिट डिक्लेयर होते हैं तो उसके बाद में फिर मेरिट लिस्ट आती है और मेरिट लिस्ट के बाद फाइनली यू ज्वाइन द एकेडमी। ठीक है, तो ये आपका सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस होता है SSB का। इसके हर एक एस्पेक्ट के बारे में, स्क्रीनिंग हो गया, साइकोलॉजी का टेस्ट हो गया, GTO हो गया, या फिर आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर के आपका जो पर्सनल इंटरव्यू लेने वाला है उसके बारे में हो गया, हम लोग इन सब के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। मगर उसके पहले हम लोग ये देखेंगे कि भाई SSB जो है वो आखिर तलाशता क्या है, SSB वो ऐसी किस चीज़ की तलाश है कि हमारे यहाँ SSB में इतना हाई सिलेक्शन, इतना हाई रिजेक्शन रेट है, इतने अगर 400-400 लोग अप्लाई करते हैं तो उसमें से 1 या 2 रिकमेंड हो रहे हैं, पूरे पूरे बैच आपके वॉश आउट हो जाते हैं कई बार। तो ऐसा क्या है, ऐसी क्या चीज़ है जिसकी SSB को तलाश है और जो कैंडिडेट्स पूरा नहीं कर पाते या फिर उतना अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते जिसके कारण SSB उन्हें रिजेक्ट कर देती है और नतीजा कहीं ना कहीं हमारी आर्म फोर्सेज को उठाना पड़ता है काफ़ी हाई शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर्स के रूप में। ये तो खैर एक फैक्ट है। तो SSB का रिक्वायरमेंट क्या है, कहने के लिए आप कह सकते हैं कि SSB हर एक व्यक्ति में 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ तलाश कर रही है। मगर ये 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होती क्या है, अगर आप फैंसी वर्ड्स बोलना चाहें तो डिटर्मिनेशन हो गया, लीडरशिप क्वालिटीज़ हो गई, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हो गई, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इस तरीके की अलग अलग आपकी 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होती हैं जिसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। मगर एक केस लेके हम लोग शुरू करते हैं। सपोज कर लीजिए कि आप लेट से फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आप लेट से अपने कॉलेज में हैं, आप अपने घर से दूर रह के पढ़ाई करते हैं और आप कॉलेज में हैं, आपके कॉलेज में दिवालियों की छुट्टी लगी और आप अपने घर आ रहे हैं बस में बैठ के, बढ़िया। अब अचानक रास्ते में एक जगह बस का टायर पंचर हो गया और बस रुक गई, ऑब्वियस सी बात है आपकी जर्नी हॉल्ट हो गई कि नहीं हो गई। अब सवाल ये उठता है कि जब ये गाड़ी पंचर हुई है और उसके बाद में जब तक वो गाड़ी ठीक नहीं होगी आपने क्या किया क्या नहीं किया, क्या आप बस में वहीं पे अपनी जगह पे बैठे रहे, क्या आपने नीचे उतर के देखा,
क्या आपने, अगर वहाँ पे किसी तरह की कोई समस्या थी उस टायर को बदलने में, क्या आपने उसमें कुछ पार्टिसिपेट किया, क्या आपने सिर्फ इंस्ट्रक्शन दिया, क्या आपने वहाँ बैठ के सिर्फ सिचुएशंस को कोसा, आपने आखिर किया क्या, आपका जो रिएक्शन है उसकी बात की जाए कि आपने आखिर किया क्या। तो जो भी चीज़ आपने की है उसके बेसिस पर यह समझ में आएगा कि भाई आपका बिहेवियर कैसा है। अगर आप बैठ के वहाँ पे कंप्लेंट करते रहे कि ये मेरे साथ ही होना था, मैं घर जा रहा था इतने महीनों के बाद में और आज ही ये बस कंप्लेंट, ये बस जो है आपकी पंचर होनी थी, मुझे ही टाइम लगना था, अगर आप इस तरीके का एक एटीट्यूड शो कर रहे हैं तो ये एटीट्यूड या फिर ये कंप्लेनिंग बिहेवियर आपके बारे में बहुत कुछ कहता है। अगर आप अपनी अपनी जगह पर बैठे रहे, आपने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया, कानों में बस हेडफोन लगाए गाने सुनते रहे या कोई मूवी देखते रहे, अगर आपने ये किया तो ये रिएक्शन आपके बारे में एक अलग तरीके की बात कहता है। इसी तरीके से अगर आपने नीचे उतरकर जाकर देखा कि वहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या है, वो टायर पंचर हुआ है, कोई इसे ठीक कर रहा है नहीं कर रहा है, ढंग से कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, आप खड़े होकर देखते रहे तो वो बात आपके बारे में काफ़ी कुछ बात कह जाती है कि आपका बिहेवियर कैसा है, एज अ पर्सन आप कैसे हैं। अगर आपने वहाँ पे लोगों की मदद करी उस टायर को बदलवाने में तो फिर वो आपके बारे में अलग एक बात कहती है। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर एक चीज़ जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो एक ही सिचुएशन में अलग अलग रिस्पॉन्स के बेसिस पर, वो है बिहेवियर। बेसिकली ये जो भी आपने उस सिचुएशन में जिस तरीके से भी रिएक्ट किया है, जो भी आपका रिएक्शन था, उसके बेसिस पर एक चीज़ के बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है, वो है आपका बिहेवियर कि भाई अगर इस तरीके की सिचुएशन आई है तो आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, और उस तरीके के बिहेवियर के बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हो कि आप किस तरीके के इंसान हो, या फिर और ज़्यादा रिफाइन करके बोला जाए तो हम ये कह सकते हैं कि आप किस तरीके की पर्सनैलिटी रखते हैं, है कि नहीं है। SSB भी बेसिकली यही चीज़ कर रही है, वो आपके बिहेवियर को असेस कर रही है। हालांकि उसके असेसमेंट के तीन तरीके हैं, जैसा कि मैंने बताया कि एक आपका साइकोलॉजी का टेस्ट होता है, एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर है और एक GTO है। ये तीन लोग बेसिकली असेसमेंट कर रहे हैं, मगर देख वो एक ही चीज़ रहे हैं, आपके बिहेवियर को, आपकी पर्सनैलिटी को, कि आप एक्चुअल में इंसान कैसे हो। कई लोगों को ये कंसेप्शन भी रहता है कि मैं वहाँ पे जाके ऐसे बिहेव करूँगा तो शायद रिकमेंड हो जाऊँ, वैसे बिहेव करूँगा तो रिकमेंड हो जाऊँ। ये मेरे हिसाब से बहुत गलत अप्रोच है SSB को अप्रोच करने का, SSB के लिए तैयारी करने का, दिस इज़ नॉट द अप्रोच। आपको अपने अंदर एक पर्टिकुलर तरीके का बिहेवियर, एक पर्टिकुलर तरीके की पर्सनालिटी इनकलकेट करना पड़ेगी, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मगर बेसिकली SSB आपको असेस कर रही है एज अ पर्सन, आपकी पर्सनालिटी को बिहेव कर रही है तीन चीज़ों से। अब अगर गाड़ी पंचर होने पर आपका जो बिहेवियर आपने शो किया, लेट से आप कोऑपरेटिव थे, आपने नीचे उतर के टायर बदलवाने में मदद करी, लोगों से स्टेपनी नहीं खुलते बन रही थी, आपने उसमें हेल्प करी, आपने आगे बढ़ के मदद करी और जल्दी से जल्दी टायर चेंज करके अपनी जर्नी कंटिन्यू करी, तो ये एक अलग तरीके का बिहेवियर, और आपने कुछ नहीं किया, आप बैठ के कोसते रहे, ये एक अलग तरीके का बिहेवियर है। दोनों बिहेवियर जो हैं SSB के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, आपने अगर असेस किया तो फिर आपको क्या लगता है कौन से बिहेवियर का बंदा जो है वो रिकमेंडेशन के लायक है और कौन से बिहेवियर का बंदा जो है वो रिकमेंडेशन के लायक नहीं है? जवाब बड़ा सिंपल सा है, वो व्यक्ति जिसने उतर के नीचे लीड किया, जिसने नीचे उतर के जो भी सिचुएशन थी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, ही इज़ शोइंग अ डिफरेंट बिहेवियर एंड ही इज़ शोइंग लीडरशिप क्वालिटीज़, ही इज़ शोइंग समथिंग दैट इज़ वॉट SSB इज़ रिक्वायरिंग, कि भाई अगर एक सिचुएशन आती है तो आपका उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, इन्वॉल्वमेंट है तो कैसा इन्वॉल्वमेंट है, किस लेवल तक इन्वॉल्वमेंट है, आप क्या कर रहे हैं, किस माइंडसेट के साथ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये SSB असेस करती है और इसके बेसिस पर डिसाइड करती है कि क्या आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं या आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं हैं। तो अब जाहिर सी बात है, अब अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए कि भाई आपको एज SSB में बैठना है और आपको एक मिलिट्री ऑफिसर के लिए एक सही कैंडिडेट सेलेक्ट करना है जिनको बाद में ट्रेन करके अच्छा मिलिट्री ऑफिसर बनाया जा सके, तो फिर आप किस तरीके का बंदा ढूंढना पसंद करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, आप एक ऐसा व्यक्ति, अगर इसी हम लोग बस के टायर के एग्जांपल को लेकर चलें, तो आप इस तरीके का बंदा ढूंढना पसंद करेंगे जो नीचे उतर कर सबसे पहले तो देखे कि हुआ क्या है, उसके बाद में वहाँ पर वो अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें आपका कोऑपरेट करें,
उसको अगर हो सके तो लीड करें, उसके बाद में अगर वहाँ पे किसी तरीके की और सिचुएशन आ जाती है तो उसके लिए कोई इनोवेटिव सा तरीका निकाले जिससे जल्दी जल्दी सिचुएशन को सॉल्व किया जा सके। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आपका ऑब्जेक्टिव था टायर ठीक करना, जितना जल्दी हो सके उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद कर सके। तो इस एग्जाम्पल के बेसिस पर आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो व्यक्ति है ये मेरे हिसाब से रिकमेंडेशन के लायक है कंपेयर टू वो व्यक्ति जो बस में बैठा रहा जिसने कुछ नहीं कहा, वो व्यक्ति जो बैठ के सिचुएशन को कोसता रहा, वो व्यक्ति जिसने कुछ कहा भी नहीं, जिसने कोई मगर कोई रिएक्शन भी नहीं दिया, अपनी जगह बैठ के गाने सुनते रहे, मूवी देखते रहे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बेसिकली दिस इज समथिंग दैट एसएसबी इज इंटरेस्टेड इन, दिस इज समथिंग दैट एसएसबी इज गोइंग टू असेस, दैट इज योर बिहेवियर, योर पर्सनैलिटी। आप क्या बोलते हैं, आप क्या करते हैं, आप क्या सोचते हैं, तीनों चीज़ों में अगर आपकी सिंक्रोनिसिटी है, तीनों चीज़ों में अगर एक कॉन्ग्रेंसी आपको देखने को मिलती है, तब तो एसएसबी आपको रिकमेंड करने या ना करने के बारे में सोचेगी। आपको आपका जिस तरीके का भी बिहेवियर है वो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैच करता है नहीं करता वो उसको देखेगी, मगर अगर उनको ये चीज़ नहीं दिखती है तो फिर वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। अब जरा एसएसबी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि आप क्या बोलते हो, यानी कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो आपसे बातें कर रहा है उसके सामने आप जबान से क्या बोल रहे हैं, आप क्या सोचते हो, आपकी साइकोलॉजी का टेस्ट कि भाई अगर आप जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, आप एक्चुअल में इंसान कैसे हो, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, बहुत सी बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं और वो साइकोलॉजी के टेस्ट में निकल कर बाहर आती हैं। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे उसके बारे में तब मैं आपको इस बारे में बताऊंगा, मगर आप क्या बोलते हो, आपके दिमाग में क्या, आपके मन में क्या, आप क्या सोचते हो जो आपने पेपर पे लिखा है, और तीसरा आप क्या करते हो, आपके कर्म कैसे हैं, ग्राउंड पे जब आपको टेस्ट किया जाता है तो आपका किस तरीके का बिहेवियर है, कैसी आपकी पर्सनालिटी है, आप सिचुएशंस को डील कर सकते हो कि नहीं, आप में क्रिटिकल थिंकिंग है या नहीं, आप इमेजिनेटिव हो या नहीं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अब अगर आप जो बोलते हो, जो आप सोचते हो और जो आप करते हो उसमें अगर एक तरीके की कॉन्ग्रेंसी आपको देखने के लिए मिलती है, मैं ये साइन का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आपको कोई कॉन्ग्रेंसी देखने के लिए मिलती है तब तो फिर आप एक केस हो जिसके बारे में डिस्कशन किया जा सकता है कि भाई ये इसमें इनके बिहेवियर में कॉन्ग्रेंसी है। अब ये मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए काम के हैं या नहीं, वेदर ही इज हैविंग दोज ऑफिसर लाइक क्वालिटीज दैट वी आर सर्चिंग फॉर और नॉट, अगर वो चीज़ है या नहीं तब उसके बारे में बात की जा सकती है। मगर अगर इन तीनों चीज़ों में सिंक्रोनिसिटी नहीं है, आप जो बोलते हो आप वो करते, आप वो सोचते नहीं हो और आप जो सोचते हो आप वो करते नहीं हो, या फिर आप इस कॉम्बिनेशन को बदल सकते हैं, जो आप करते हो वो आप सोचते नहीं हो या फिर जो आप करते हो वो आप बोलते नहीं हो, अगर ये सिंक्रोनिसिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी तो एट द वेरी हैंड एसएसबी जो है वो आपको रिजेक्ट कर देगी। और परेशानी यही है कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स ये सिंक्रोनिसिटी दिखा नहीं पाते, उनकी पर्सनालिटी में ये एक आप कह सकते हैं कि कॉन्ग्रेंसी देखने के लिए मिलती नहीं है, जिस तरीके की बातें वो करते हैं हो सकता है उस तरीके का वो बिहेवियर सबकॉन्शियसली ना करें, उस तरीके की पर्सनालिटी उनकी ना हो, दिमाग में वो इस तरीके से ना सोचते हो, सिर्फ एक्ट कर रहे हैं इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने और वो इसके साथ मैच ना कर रहा हो सकता है, जो वो बोलते हैं या जो वो सोचते हैं वो शायद जीटीओ के साथ में या फिर ग्राउंड पर जो वो कर रहे हैं उसके साथ में वो मैच ना करे। तो अगर ये सिंक्रोनिसिटी आपको देखने को नहीं मिलती है, अगर आपको ये कॉन्ग्रेंसी देखने को नहीं मिलती है, तब तो वेरी एट द वेरी हैंड आप रिकमेंड नहीं होने वाले हैं, दैट्स अ फैक्ट, इट्स अ रियलिटी। अब चाहे आप इसको किसी भी तरीके से लें, ये कड़वा सत्य है, अगर आप जो सोचते हैं आप वो बोलते नहीं हैं, जो आप बोलते हैं वो आप करते नहीं हैं, जो आप करते हैं वो आप सोचते नहीं हैं, अगर इस तरीके की सिंक्रोनिसिटीज आप में अगर इस तरीके की कॉन्ग्रेंसी आप में नहीं है, इस तरीके का बिहेवियर अगर आप शो कर रहे हो तो फिर आप रिकमेंड नहीं होंगे। अब सवाल उठता है कि फिर एसएसबी रिकमेंड करती कैसे है, क्या वो चीज़ हैं, क्या वो बिहेवियर हैं, क्या वो पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पर एसएसबी आपको डिसाइड करती है कि भाई द गाय शुड बी रिकमेंडेड और द गाय शुड नॉट बी रिकमेंडेड। तो उसका जवाब यह है कि पहली चीज़ तो कि आपकी जो तीनों चीज़ें हैं, आपके आपकी वाणी में, आपके मन में और आपके कर्म में एक सिंक्रोनिसिटी होनी चाहिए। इनफैक्ट एसएसबी का मोटो भी है मनसा, यानी कि जो आपके मन में है, वाचा यानी कि जो आप बोल रहे हो जबान से, और कर्मा
जो आप कर रहे हो तीनों में सिंक्रोनिसिटी होनी चाहिए, तीनों में एक कॉन्करेंसी होनी चाहिए, और उसके बाद में फिर आप वो ऑफिसर लाइक क्वालिटी शो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्या आप में डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है? अगर है तो किस तरीके की एबिलिटीज़ है? क्या आप सेल्फलेस हो या आप सेल्फिश हो? सेल्फलेसनेस अगर है तो किस एक्सटेंट तक है? सेल्फिश हो तो किस तरीके तक, किस लिमिट तक हो? आपका ग्रुप में बिहेवियर कैसा है? आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है? आप इनिशिएटिव किस हद तक ले सकते हो? आप कितना रैशनल सोच रहे हो एक प्रेशर वाली सिचुएशन में? सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपका स्टैमिना कितना अच्छा है? आपका स्टैमिना कितना अच्छा है? एंड आपका डिटर्मिनेशन कितना बढ़िया है? ये सारी चीज़ें फिर दिखती हैं। अगर ये सारी चीज़ें, अगर ये सारी क्वालिटीज़ जिसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में बात करेंगे, अगर शो होती हैं तब तो फिर आप रिकमेंड होने के लिए एक एबल या एक सुटेबल कैंडिडेट हैं, और अगर ये सारी क्वालिटीज़ शो नहीं होती हैं तो फिर आप SSB में रिकमेंड नहीं हो पाएंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि SSB आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं ले रही है। SSB इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज, इट्स अ टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी। उसके आप इस बात से मतलब है कि एक व्यक्तित्व के तौर पर आप कैसे हैं, एक इंसान के तौर पर आपका व्यक्तित्व कैसा है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप रिएक्ट कैसे करते हैं, प्रेशर आने पर आपका क्या बिहेवियर रहता है, किस तरीके का आपका एटीट्यूड है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि ये रट लेने से मेरा शायद सिलेक्शन हो जाएगा, ये स्टोरीज लिखवाते हैं तो मैं ये वाली स्टोरीज लिख कर ले जाता हूं और मैं रिकमेंड हो जाऊंगा, ग्राउंड पे मैं इस तरीके का बिहेवियर शो कर दूंगा तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर मैं इंटरव्यू के इस तरीके के जवाब दे दूंगा ऐसे ऐसे सवालों के तो फिर शायद मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये भ्रांतियाँ हैं, ये भ्रम हैं, ये गलत नॉलेज है, गलत ट्रेनिंग है। इसके कारण होता क्या है कि व्यक्ति जो है अपनी एक्चुअल पर्सनालिटी जो है वो SSB के सामने रख नहीं पाता। जो चीज़ वो रखता है वो एक शो ऑफ होती है, वो लोग शो ऑफ को ब्रेक करके व्यक्ति की एक्चुअल रियलिटी जो है वो देखने में एक्सपर्ट होते हैं। उसके बाद में होता यह है कि आप रिजेक्ट हो जाते हैं, एंड देन फिर आप बेसिकली डीमोटिवेट हो जाएंगे, डीमोरलाइज हो जाएंगे इस चीज़ को लेके कि मैंने इतनी कोशिश करी, नहीं हुआ, दिस एंड दैट। प्रॉब्लम यह है कि आप उनके सामने वो बनकर जा रहे हैं जो आप हैं नहीं, या फिर आप वो शो करने की कोशिश कर रहे हैं जो आप हैं नहीं। यू विल नॉट बी गेटिंग रिकमेंडेड। अगर आप जो हैं आप वही बनकर उनके सामने जाते हैं, वही उनके सामने प्रेजेंट करते हैं, देन देर इज़ अ पॉइंट। उसके बाद फिर सवाल ये उठता है कि आप जो हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है या नहीं है, देन देर इज़ अ पॉइंट। अगर ये दो चीज़ें मैच करती हैं तब तो कि एक तो आप जो हैं वो एक्चुअल में आप शो कर रहे हैं, दूसरा एक आप जो हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट को मैच करता है, तब SSB आपको रिकमेंड करेगी, वरना वो आपको रिकमेंड नहीं करेगी। दिस इज अ फैक्ट। तो फिर सवाल ये उठता है कि फिर अब किया जाए तो क्या किया जाए, आखिर ऐसे क्या काम किए जाएं कि SSB हमें रिकमेंड करें। तो मैं आपको कोई ट्रिक तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि ट्रिक तो कोई SSB को क्लियर करने के लिए होती भी नहीं है, मगर मैं आपको वो तरीके बता सकता हूँ जिसके बेसिस पर आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के साथ में वो चीज़ें जो SSB की रिक्वायरमेंट लिस्ट में हैं, जो एक मिलिट्री केपेबल पोटेंशियल मिलिट्री ऑफिसर में होनी चाहिए, वो चीज़ें आप कैसे अपने अंदर इंकल्केट कर सकते हैं और उसकी मदद से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि उस प्रिपरेशन के बाद आप शॉर्ट शॉर्ट सिलेक्ट होंगे, बट मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आप इम्प्रूव करेंगे, आप एज अ पर्सन इम्प्रूव करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपको फीलिंग आएगी कि हाँ मैं डिजर्व करता हूँ। मैं आपको एक बात कह सकता हूँ कि आप एज अ पर्सन अपने आप में ये देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि भाई What type of person I am? मैं ऐसा व्यक्ति हूँ तो क्या रीज़न है कि मैं इस तरीके का व्यक्ति हूँ, और मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए जिसके बेसिस पर ये चीज़ें जो SSB के लिए रिक्वायर्ड हैं ये मेरे अंदर आएँ, और ताकि मैं अपने आप को केपेबल बना सकूँ और फाइनली जब SSB के सामने, बोर्ड के सामने जाऊँ तो वो लोग मुझे रिकमेंड कर सकें। हम इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, बट गेट अगेन आई विल लाइक टू से समथिंग कि SSB के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप उनके टेस्ट वगैरह के लिए प्रिपरेशन कर कर चले जाएंगे, कहानियाँ रट लेंगे, GTO में यहाँ से बल्ली फंसाना है, यहाँ से फट्टा लगाना है, ये करना है, जो जोर जोर से चिल्लाना है, आपका लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखाने के नाम पर, और अगर आपको ये लगता है कि इससे आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो एक बहुत बड़ी भ्रांति है, एक बहुत बड़ी गलती है। आपको या फिर इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने आपसे ये सवाल पूछा तो आप उसको ये जवाब दे देंगे, उसने आपको ये कहा था आप उसके लिए पहले से ये प्रिपरेशन कर कर जा रहे हैं, तो यकीन मानिए ये आपके फेवर में नहीं जाएगा, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि एज अ पर्सन आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव नहीं हुई है, एज अ पर्सन आप केपेबल नहीं हैं, आप सिर्फ शो कर रहे हैं कि भाई आप में वो क्वालिटीज़ हैं। एंड यकीन मानिए जब
आप शो ऑफ करेंगे, जब आप शो करेंगे एसएसबी पकड़ लेगी, और उसके बाद फिर आप अपने हाथों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेंगे और सिलेक्शन का जो चांसेस हैं वो खत्म हो जाएंगे। सो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि भाई एसएसबी की रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि एसएसबी की रिक्वायरमेंट क्या होती है, कैसे उसे इनकलकेट किया जा सकता है पहली चीज़, कैसे अपने आप को इम्प्रूव किया जा सकता है, एंड यस ऑफ कोर्स उसके बाद ये दोनों चीज़ें करने के बाद कैसे उसके वेरियस टेस्ट के बारे में प्रिपरेशन की जा सकती है। एंड देन दिस वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन द अपकमिंग सेशंस। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड मे गॉड ब्लेस यू।